की जननी होती है। आज के आधुनिक समय में कुछ भी कर दिखाना असंभव नहीं है। इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर कुछ कर दिखाने का दिल में जज्बा होना चाहिए। ऐसा ही काम करके दिखाया है मंगलौर के छोटे से गांव निजामपुर हरचंदपुर के निवासी गौतम ने। जी हां, बता दें, गौतम पेशे से किसान है। खेत में काम करने के लिए गौतम ने अपनी आवश्यकता अनुसार मिनी ट्रैक्टर बनाने की एक मिसाल पेश की है। जी हाँ, अपने दिमाग और हुनर के कारण गौतम ने पुराने कबाड़ के सामान को जोड़कर एक मिनी ट्रैक्टर की शक्ल दे डाली, जो कि कौतूहल का विषय बनी हुई है। बता दें, मंगलौर क्षेत्र के निजामपुर गांव के निवासी गौतम ने अपनी प्रतिभा के बल पर कबाड़ के पुराने पुर्जों को जोड़कर एक मिनी ट्रैक्टर बनाया है, जो एक बेहद शानदार मॉडल है। जी हाँ, आपको बता दें कि गौतम सैनी बचपन से तकनीकी कार्यों में रुचि रखते हैं। मिनी ट्रैक्टर को 6 महीने में लगभग 50,000 रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ये मिनी ट्रैक्टर 20 क्विंटल वजन खींच सकता है। गौतम सैनी के इस जज्बे और लगन की हर कोई सराहना कर रहा है। ये जो है, मैंने पहले वीडियो में देखा, वीडियो देखने के बाद मुझे प्रेरणा हुई इसे बनाने के लिए, और मैंने इसके सामान एकत्रित किया और कबाड़ से, कबाड़ी बाज़ार में से, और मैंने इसे फिर सबमिट किया है। इसमें जो लागत है, लागत इसमें 50,000 के लगभग की लागत आई है, और ये मैंने सब कुछ अपने ही हिसाब से मॉडिफाई किया है, डिजाइन किया है। सारा जो इसमें सामान है सब कबाड़ी बाज़ार से, कबाड़ में से उठा के तब इसे मैंने तैयार किया, सबमिट किया है। और इसमें लगभग समय जो है मेरा, ये कोई 6 महीने के समथिंग का मुझे टाइम लगा है इसमें। ये लगभग वजन जो है, इसकी वजन कैपेसिटी है इसकी 20 क्विंटल की, 20 क्विंटल है आराम से।